यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। एसआईएल को लेकर समय समय पर खासतौर पर चुनावी समय पर सुविधा की सियासत की जाती रही। पंजाब में पानी ना देने के दावे सत्तासीन करते रहे और हरियाणा की अगर बात की जाए पानी लाएंगे पानी लाकर रखेंगे ये वादे किए जाते रहे, लेकिन पानी कभी नहीं आया। वोट कई बार आए अलग अलग पार्टियों को अलग अलग चुनाव में, चुनावी फायदा भी मिलता रहा। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार फिर से हरियाणा के पक्ष में है और हरियाणा में विपक्षी दल सत्तासीन दल पर हमलावर हैं, इन सब के बीच हरियाणा के सीएम केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से राजधानी दिल्ली में मिले, जो ये मुलाकात होती है। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। एसवाल के अलावा तमाम जल समस्याओं पर चर्चा भी की गई और खास बात यह भी रही कि सीएम की ओर से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर पानी की किल्लत दूर करने की अपील की गई है। एसवाईएल को लेकर हरियाणा में विपक्ष के निशाने पर चल रही सरकार लगातार दावे करती है कि प्रयास जारी है, हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी दिलाया जाएगा। इन्हीं प्रयासों की कवायद में हरियाणा सरकार के मुखिया केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। एसवाईएल और पंजाब के साथ पानी के बाकी मसलों को लेकर बातचीत की गई। साथ ही हांसी बुटाना नहर, टिशाऊ बांध और रावी नदी के पानी को लेकर भी चर्चा हुई। मुलाकात बेहद अहम मानी जा सकती है, अहम इसलिए भी क्योंकि एसवाईएल के अलावा दिल्ली जल विवाद को लेकर भी बातचीत की गई। एसवाईएल के संबंध में मैंने अपनी बात बताई है हमने उनको कि भी क्योंकि प्रेसिडेंट रेफरेंशियल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उस निर्णय के बाद वैक्सीन ऑर्डर के अंदर केंद्र सरकार उसमें हमारी सहायता करे, तो उस विषय पर भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस विषय को हम टेकअप करेंगे। और साथ में हांसी बुटाना जिसकी प्रायोरिटी उन्होंने बताई कि इस विषय पर जल्दी कोई ना कोई मामला हल हो सकता है पंजाब सरकार से, पंजाब के मुख्यमंत्री से। सीएम का कहना है कि राजस्थान में तीन नदियों का पानी जो हमारे लिए रुका हुआ है उसको लेकर भी चर्चा की गई। इसी प्रकार कुछ विषय हमारे राजस्थान के साथ कुछ एनओसीज के रुके हुए थे उनके बारे में मैंने चर्चा की है, उस पर भी राजस्थान के सरकार से वो बातचीत करेंगे। तो ऐसे इंटरस्टेट विषय थे, फिर लखवार और किसाऊ और रेणुका इन डैम्स का जो काम है उसको स्पीड से कराया जाए ताकि पानी अधिक वहाँ से हमको उपलब्ध होगा और वो यमुना में पानी आने के बाद हमारा जो आज पानी की कमी है खास करके गर्मियों के दिनों में जैसे पीने के पानी की कमी हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए इरिगेशन और पीने का दोनों का पानी हमको ज्यादा उपलब्ध हो, तो ऐसे डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बातचीत की है इरिगेशन के नाते। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक कर पानी की कमी का समाधान हो सकता है ये बात हालांकि पीएम भी कह चुके हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की ओर से भी कहा गया। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से भी इसी सुझाव पर अपील की गई। विभिन्न प्रदेशों से जितने भी विषय हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया है, कुछ हमारे पंजाब के साथ जो विषय यानी पाकिस्तान में जा रहा है उसको रोकने के लिए हमको डैम बनाने चाहिए, तो उन्होंने अपनी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार मान करके अभी उन्होंने असमर्थता जताई थी, वो विषय मैंने ध्यान कराया है, तो उसके बारे में दोबारा से मुख्यमंत्री पंजाब से बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है उसको रोकने के लिए ये हमारा एक साझा प्रोग्राम होना चाहिए, उसका लाभ पंजाब को भी है, हरियाणा को भी है, बाकी स्टेट्स को भी होगा। बहरहाल पानी की समस्या वाकई बड़ी समस्या है हरियाणा और खासकर दक्षिण हरियाणा के लिए। दशकों पुरानी एसवाईएल से पानी कभी ना आया लेकिन वोट आते रहे अलग अलग पार्टियों के हिस्से में। फिलहाल हरियाणा में भी चुनाव होंगे। विपक्ष सत्तासीन बीजेपी से पूछता है कि जब सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है तो देरी क्यों? इनेलो जेल भरो आंदोलन भी चला रही है। इसी बीच सीएम की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के क्या मायने समझे जाएं? और सवाल तो ये भी कि जब हरियाणा में चुनाव होने हैं तो दक्षिण हरियाणा की आवाम क्या उम्मीद करे? क्या सरकार पानी ला पाएगी या सिर्फ चुनावी मुद्दा बना फिर दावे और वादे ही किए जाएंगे जनता का पैरोकार होने के? खबरें अभी तक के लिए दिल्ली से अनिल मोर की रिपोर्ट। तो लगभग तीन दशक से ज्यादा का समय हो चुका है और इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है। दक्षिण हरियाणा के लोग खासकर इंतजार कर रहे हैं कि कब एसवाईएल का पानी उनके ओर आएगा और फसलों तक ये पानी पहुंचेगा। और वहीं पंजाब ये दलील देता रहा है कि वहां जो वाटर लेवल है वो काफी कम होता जा रहा है, हमारे पास देने के लिए पानी नहीं है।
बिल्कुल, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है हरियाणा बीजेपी की ओर से, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रणदीप खंडकर साहब हमारे साथ हैं इस चर्चा में, और वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कोटला साहब हैं चर्चा में। सभी का स्वागत है। चौहान साहब, क्या उम्मीदें की जाए इस बैठक से? हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि केंद्र सरकार की मदद से नहर का निर्माण करवाया जाए, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से सीएम की मुलाकात के मायने। देखिए, एसवाईएल के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पहला 2002 में हरियाणा के पक्ष में आया, पंजाब ने उसको चुनौती दी, 4 में फिर हरियाणा के पक्ष में एक निर्णय आया और उसको लागू होने से रोकने के लिए पंजाब ने जल संधियों को निरस्त करने का एक कानून पास कर दिया जो कि गैरकानूनी था। वो मामला उस समय चला गया प्रेजिडेंशियल रेफरेंस के नाते, सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला गया। इस बीच में लंबे समय तक जो सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही लगभग 10 वर्ष तक केंद्र में, 9.5 साल हरियाणा में, इन्होंने उसकी पैरवी कायदे से नहीं की। जब हरियाणा में मनोहर जी की सरकार बनी तो प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर त्वरित सुनवाई हो केंद्र को लिखा, केंद्र में सॉलिसिटर जनरल जा करके सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहें कि इस मामले की तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, इसको टेकअप मुख्यमंत्री जी ने भी किया और राज्य सरकार के दूसरे जो अधिकारी हैं उन्होंने किया। उसका एक परिणाम यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो दो निर्णय पूर्व में हरियाणा के पक्ष में आए हैं वो निर्णय लागू होंगे और पंजाब ने जो जल संधियां निरस्त की हैं वो जो कानून था पंजाब का वो गैर कानूनी। अब इसके बाद विषय आता है कि हरियाणा के पक्ष में तो निर्णय आ गए, इतना में इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। अब क्योंकि ये दो राज्यों के बीच का मामला है और बहुत संवेदनशील मामला है, पंजाब कहता है हम तो एक बूंद पानी नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पानी तो हरियाणा का है, नहर बननी चाहिए। अब विषय यह है कि नहर बने कैसे? हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हरियाणा के पक्ष में है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करवाने का काम, जब कोई डिक्री होती है तो जो अदालत डिक्री करती है उस डिक्री को लागू करने का काम भी, निर्देश भी, उसके मोडेलिटीज भी वो अदालत तय करती है। तो हरियाणा ने ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय आने के तुरंत बाद within 3 months माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर कहा कि आप अपने इस आदेश को एग्जीक्यूट करवाइए। उस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो रही है। इस बीच में एक बात यह आई थी कि केंद्र ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल के माध्यम से, संभवतः उन्होंने कहा कि हम इस मामले को, क्योंकि टकराव की स्थिति पैदा ना हो, बातचीत से नहर का निर्माण हो जाए, हम इसका प्रयास करेंगे। आपको उम्मीद है कि बातचीत से हल निकल सकता है इस मसले का? देखिए, राजनीतिक है, भावनात्मक है और दोनों ही राज्यों की अपनी अपनी जिदें हैं। मैं ये कहता हूँ हल क्या होना है। हमने कभी ये नहीं कहा कि बातचीत इस बात पर होनी चाहिए कि पानी हमारा है कि नहीं है। इस विषय पर तो अंतिम निर्णय, क्योंकि दोनों पक्ष मान ही नहीं रहे थे, हमारा, हम अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, पंजाब कहता है हमारा पानी हम नहीं देते। तो क्योंकि दोनों में बातचीत का कोई रास्ता था नहीं, तभी सुप्रीम कोर्ट में गए, तभी वहां लड़े और वो निर्णय हमारे पक्ष में आ गया। अब विषय ये केवल था, केंद्र ने जो हल्का सा इंटरवीन किया था वो ये था कि एग्जीक्यूशन, नहर तो बननी है, पानी तो आना है, वो अगर बातचीत से आ सकता है दोनों पक्षों के बीच में तो केंद्र ने उसका प्रयास किया। हम एग्जीक्यूशन पिटीशन की पैरवी निरंतरता के साथ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टियां हैं, छुट्टियों के तुरंत बाद ये मामला टेकअप होगा दोबारा। और क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं जेल भरो आंदोलन के नाम पर, जब सरकार एक कानूनी पहलू अभी भी बताती है इस मामले का, आप लोगों को फिर जल्दबाजी है या फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश है आप लोगों की? देखिए ज्योति, जिस तरह से अभी चौहान साहब ने बताया कि 2002 में हरियाणा के पक्ष में निर्णय आया, फिर 2004 में हरियाणा के पक्ष में निर्णय आया, उसके बाद 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जो प्रेजिडेंशियल रेफरेंस है वो हरियाणा के पक्ष में आ गया। अब देखिए क्या होता है, जब 2016 में रेफरेंस, जो प्रेजिडेंशियल रेफरेंस है, उस पर जब डिसाइड हो जाता है, हरियाणा के पक्ष के अंदर आ जाता है, तो पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार
नहर को डी नोटिफाई होने का काम करती है, जिसमें एक मत से कांग्रेस भी शामिल होती है। अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी उस नहर को पाटने का काम करती है डी नोटिफाई करके। इससे साबित क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी अलग है और पंजाब की भारतीय जनता पार्टी अलग है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हरियाणा की कांग्रेस अलग है, पंजाब की कांग्रेस अलग है। दोनों राष्ट्रीय दल है, एक ही नीति होती है। तो यहां से ये बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नियत क्या थी। इस नियत में कोट बताती है, बार बार एक बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, इस बात को मानते हैं, लेकिन ये बात कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, जब कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया केंद्र सरकार नहर का निर्माण करवाए, तो इसमें एग्जीक्यूशन का कहीं कोई सवाल था नहीं। मेरी बात सुनिए, जैसे अब सरकार की तरफ से ये बात कही जाती है कि साहब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एग्जीक्यूशन पिटीशन डली हुई है। हैरानी इस बात पे होती है जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सर्वदलीय बैठक में ये डिसाइड किया जाता है कि सभी दल राजनीति से ऊपर उठ के हरियाणा प्रदेश के हक के लिए प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे और मांगेंगे कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कीजिए। वहां पे मुख्यमंत्री जी खुद एजेंडा जो मेमोरेंडम है उसपे सिग्नेचर है मुख्यमंत्री जी के, जो के जाके राष्ट्रपति जी को दिया जाता है। उसमें ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला नहीं है। जब राजनाथ सिंह जी से मिलने गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो टाइम नहीं दिया मुख्यमंत्री जी के मांगने के बावजूद, तो राजनाथ सिंह जी के पास भेज दिया गया। वहां पे जो वकील था केंद्र सरकार का भी और हरियाणा सरकार का भी, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या मामला कुछ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन्होंने स्पष्ट कहा कोई पेंडिंग नहीं है। एक और बात है कमल, अगर मामला पेंडिंग है तो आज नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री जी क्या किस लिए मिलने गए थे? जब मामला कोर्ट में है तो नितिन गडकरी जी क्या कर लेते? ये भी पॉइंट है सर, ये अब ये ठीक है, ये बड़ा सवाल है, आपका बड़ा सवाल है, मुकुल जाएंगे एक बार, संदीप कोटला जिसे झूठ पूछ लेते हैं वो भी बता देंगे। केवल हरियाणा को उसका हक ना मिले इसके लिए संदीप कोटला साहब बेहतर बताइए, कानूनी फिलहाल की जो स्थिति है वो पक्ष है वो क्या है फिलहाल इस मामले में? देखो, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ये मेल मिलाई से कुछ नहीं होगा। जब अगर मेल मिलाई से कुछ होना होता तो आज से 7 साल पहले 8 साल पहले हो जाता। जब इन दोनों स्टेट्स में जो है ना सरकार तीनों स्टेट्स में सरकारें जो है ना इन्हीं की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया यथास्थिति बना के रखो तो सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि केंद्र सरकार कम से कम नहर का निर्माण तो करवाए। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने की तो केंद्र सरकार तो अभी कुछ भी करवा सकती है। क्या स्थिति है? बीजेपी का जो दावा है कि कोई पिटीशन लगाई गई है, किस तरह से निर्माण करवाया जाना है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना है फैसले को, क्या उसमें सच्चाई है? फिर अभी कानूनी पेच है मामले में कोटला साहब? अब तो जो मामला होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही होगा, आपसी बातचीत से कोई मामला सुलझने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में देखो निर्णय एक आ चुका है, उस निर्णय में सारी चीज स्पष्ट हो चुकी है। आज की तारीख में जो एग्जीक्यूशन पेंडिंग है उस एग्जीक्यूशन में जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो केंद्र सरकार को भी और पंजाब सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी। बहुत छोटी सी बात यह है, राजनीतिक चक्रव्यूह में जैसे मर्जी हमारे लोकदल के प्रवक्ता इस बात को उलझाने का प्रयास करें, सच्चाई ये है कि हरियाणा के पक्ष में 2002-04 में निर्णय आए, 16 में हरियाणा के पक्ष में निर्णय आया और ये हुआ कि जो 2 और 4 की जो डिक्री है हरियाणा के पक्ष में उसको एग्जीक्यूट होना है, वो एग्जीक्यूटेबल है, कानून की दृष्टि में संविधान की दृष्टि में सही है। पंजाब का समझौतों को रद्द करने का निर्णय गलत था, अब उसकी एग्जीक्यूशन की पिटीशन डाली गई है। जब ज्योति जी ये क्यों दिया जाता है जैसा कि कह रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई पेंडिंग ही नहीं मामला, मैं वही आ रहा हूं ना, आप मुझे मौका दीजिए। ठीक है मैं ये कह रहा हूं कि जब उस निर्णय को कोई भी निर्णय, मैंने पहले का फिर दोहरा दूं कि कोई भी डिक्री जब होती है वही कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करने के आदेश देता है। एग्जीक्यूशन के लिए हम गए, ज्योति जी जब ये पूछती है कि क्या ये सच है, मैं क्या हम एग्जीक्यूशन की पिटीशन को चैलेंज कर रहे हैं? मैं पूछती हूँ, कैथरे साहब कहते हैं कि ये कहा जाता है गृहमंत्री के सामने कि मामले में कोई कानूनी पेंच नहीं है। मैं बताता हूँ, मुलाकात अब मैं स्पष्ट करता हूँ, इसी को स्पष्ट करता हूँ लेकिन गृहमंत्री के सामने फिर क्यों? इसी को स्पष्ट करता हूँ, पानी के संबंध में कोई मामला विवाद को लेकर पेंडिंग नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ, पानी हमारा है या नहीं, नहर बननी चाहिए कि नहीं, इसमें कोई मामला पेंडिंग नहीं है। चौहान साहब, मुख्यमंत्री ने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी उसके बाद उन्होंने खुद कहा मीडिया के सामने, खट्टर नहीं, खट्टर साहब की हुई थी, खट्टर साहब की मुलाकात हुई थी, हुई थी, खट्टर साहब के लिए उनको अधिकृत, क्योंकि मैं साफ कर रहा हूँ, सुन लीजिए, केवल इतनी सी बात है कि पानी के बंटवारे को लेकर,
नहर के निर्माण न निर्माण को लेकर कुछ पेंडिंग नहीं है, नहर का निर्माण होना है, पानी हमको मिलना है, केवल कैसे होना है एग्जीक्यूशन की पिटीशन पेंडिंग है, पानी के विवाद को लेकर कुछ भी पेंडिंग नहीं है। और ये फैक्ट है, इसको अगर कोई डिनाई करता है, दूसरा एक इन्होंने एक और कहा राजनीति नहीं है, चौहान साहब चौहान साहब कांग्रेस से सवाल, ये एक घंटा भी ऐसे समय ले रहे हैं और वो कोर्ट में भी ऐसे समय ले रहे हैं। पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, अब बीजेपी की बारी है, लेकिन अभी भी 10 साल प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बैठे रहे, कुछ नहीं किया, धक्का नहीं तोड़ा, एक पत्र नहीं लिखा, और हमको कह रहे हैं चौहान साहब वो भी तो कह सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला वो भी कह सकते हैं। चौहान साहब जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कांग्रेस भी तो कह रही होगी ना उस समय, यही कह रहा हूँ कि उसकी पैरवी करनी चाहिए थी, एक कागज नहीं दिखा सकते कोई पैरवी की हो, तो फैसला तो हरियाणा के पक्ष में आया ना सर, हमने पैरवी की ना, तो पैरवी की होगी कांग्रेस में, हमारे समय में आप क्रेडिट ले रहे हैं क्या, आप फैसले का क्रेडिट ले रहे हैं क्या, नहीं हट सकते इनकी पर, एक बताओ 99 काम अगर कांग्रेस ने किए, 100 आपने किया, आप फिर कहते हो डक्का नहीं तोड़ा, अरे मेरे भाई 1966 से लेके आज तक आप तो 3 साल सत्ता में रहे हो, बाकी किसने किया ये काम, डब्बे भी तुमने भाई, तू काम पाओ ना गुरु जी। अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कर्पूरी गांव में जाकर के कसी मारी, कसी तो नहीं आज तक पड़ी, मैं बिल्कुल एक मिनट में सारा निर्णय दे दूंगा जो चौहान साहब जज साहब निर्णय, सर्वदलीय इन्होंने बैठक बुलाई, इंडियन नेशनल लोकदल भी वहां गई, कांग्रेस पार्टी भी गई, मुद्दा जो ये बनाना चाहते वो मुद्दा है नहीं, मुद्दा है हरियाणा और पंजाब का झगड़ा है, हरियाणा के सभी दल इकट्ठे होकर के इनको सौंप दिया कि आप प्रधानमंत्री से मिलने का समय लीजिए, आज तक इन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं लिया, राजनाथ सिंह के पास ये गैर वापिस लौट के आगे बैरंग, आज ये एक नई डपली बजा के आए सीएम साहब, जबकि इन्होंने आसिफ उठाना नहर के बारे में बताया कि उसमें जल्दी पानी आ जाए, सीएम साहब का बयान अभी आपने सुना, वो कांग्रेस ने बनाई, जितने भी मुद्दे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी आज कोई पेंडिंग नहीं है, पानी हरियाणा का है, कोई नहीं, नहीं। इसमें कांग्रेस की कितनी भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस ने सारे काम करके इनको दे दिया, अगर हमारे करे काम करीबन ये काटते हैं तो आप ये जो उसके केस को आगे कंटिन्यू करें, साहब कुछ करना चाहते हैं कर्पूरी के, अगर ये खा रहे कुदार अत्रे साहब ने घूम रहे, एक बात कहूंगा अत्रे साहब आएंगे, मुझे दोबारा आएंगे आपके, दोबारा आएंगे, जिक्र किया हांसी बुटाना नहर का, जी जी बाल मुकुंद जी मुझे ये बता दीजिए कि हांसी बुटाना नहर बनाई किस लिए गई थी, आपको मालूम है ये बात, हांसी बुटाना नहर जो है ये इस कह के कि जो SYL का पानी जो हमें हमारा हिस्सा मिलना था वो हांसी बुटाना के जरिए हम इस साइड में लेके आएंगे, अरे सुनिए सुनिए मालूम जी, आप सुन लीजिए, नो तो बाद में कहिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ क्या, उस नहर के अंदर कांग्रेस ने भरपूर लूट की, उसकी मिट्टी बेची, उस नहर के निर्माण के अंदर पैसे की बर्बादी की, अब इन्होंने एक और जिकर किया 1996 से लेके आएंगे बाल मुकुंद जी, दिसंबर 1991 विधानसभा की प्रोसीडिंग निकलवा के देख लीजिए, बंसी लाल जी जो कांग्रेस के नेता थे हमारे विरोधी थे, सदन में उन्होंने ये बात कही थी के SYL का ज्यादातर काम चौधरी देवी लाल के कार्यकाल में हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, एक बात और आपको प्रोसीडिंग बता देगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर डीनोटिफाई कर देती है, 2004 में पंजाब कांग्रेस जो है जल समझौते रद्द कर देती है, उसके बाद दोनों ये कहते हैं कि साहब हम प्रदेश के देखो कितने वफादार हैं, मजेदार बात, इंडियन नेशनल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के, देखिए ज्योति ये 1966 में हरियाणा बना था और उसके 15 साल बाद 1981 में 214 किलोमीटर ये लंबी ये नहर बननी थी, 92 हरियाणा में, 122 पंजाब में, हरियाणा ने अपनी बना दी 92, 122 पंजाब ने नहीं बनाई, वहाँ पे हिंसा हुई थी 1990 में, उसके बाद वो मामला बिल्कुल पेंडिंग रह गया था, वहाँ पे कुछ नहीं बनाया गया, पंजाब ने थोड़ा बहुत कुछ बनाया था। अब हरियाणा में ये अगर पानी आ जाए, SYL का पानी आ जाए, तो सारे राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए गंभीर कोई नहीं है कि कोई भी सरकार आज तक, आप क्या कह रहे हैं कि मामला जानबूझकर लटकाया जाता है, जी जी अच्छा मैं केवल ये कह रहा हूँ, आप ये मानिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, फिर लागू करवाने में क्या दिक्कत है, मैं सिर्फ बहुत विनम्रता से, क्योंकि बार बार ये बात, क्या ये चाहते हैं वर्तमान में भाजपा सरकार है,
क्या भाजपा सरकार चाहेगी कि जिस जज ने फैसला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के वही खड़े होके वहां कसी लेके बने? मैं बताता हूँ क्या करें। मैं जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, मैं उत्तर देता हूं, और हम पाकिस्तान से तो एग्जीक्यूट तो नहीं करना है, सरकारों ने करना है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी एग्जीक्यूट करने के लिए आगे नहीं आएगी। देखिए आपने प्रश्न उठाया बड़ा वाजिब, पहले पूरी आपने प्रश्न उठा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान पर फिर कर लेंगे इस विषय को सुनने की पहले पंजाब की बात होती है तो पाकिस्तान की बात कर दी जाती है बीजेपी की ओर से, पाकिस्तान की बात की जाती है, एग्जीक्यूशन पर बात कर ले, 19 लगा सत्ता मिला 22 की बात कर रहे हैं, यही बात यहां कर रहे हैं, 19 लगा इनको मिला 22 की बात कर रहे हैं, अब पंजाब से पढ़ जाना पाकिस्तान की बात, आपकी बारी आएगी बोल लीजिएगा जी जी। वकील साहब ने भी कहा कि एग्जीक्यूट सरकारों ने ही करना है, निश्चित रूप से वो हरियाणा की सरकार करे, पंजाब की सरकार करे, घनगर साहब या केंद्र की सरकार करे, एग्जीक्यूशन की अल्टीमेट अथॉरिटी तो कोई ना कोई सरकार होगी, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। एक मिनट सुन तो लीजिए, दोनों सरकारों में एक मिनट सुन लीजिए, सुन तो लीजिए प्रभु, एग्जीक्यूशन सरकार को करना है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए फॉर्मल एक आदेश, एक न्यायालय के निर्णय के संबंध में वो उस वक्त नहीं कहा गया था कि एक साल के अंदर, एक साल के कोई अंदर, बात तो नहीं, नवंबर 2016 ज्योति जी उसके बाद तो बहुत पानी बह गया उनके नीचे से। केवल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एसवाईएल का निर्माण, एसवाईएल की का निर्माण ना तो कर्पूरी वाली इनकी कांग्रेस की कसी से होना है, ना इनके कुदाल से होना है जो हमारे लोकदल के मित्र उठाए घूम रहे हैं, एसवाईएल का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय में जो हमने लड़ाई जीती है उसके दम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से होगा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, और उसको एग्जीक्यूट हम कराएंगे, ये कैसे करा देंगे, क्या ये कुदाल लेके बना लेंगे क्या, क्या इनकी कर्पूरी वाली कसी से लड़ता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया बड़ा स्पष्ट कह दिया कि केंद्र की जिम्मेदारी है नहर का निर्माण करवाए, मुझे समझ में नहीं आता इसके बाद क्या पेंडिंग बचा था, उसके बाद सरकार अगर ये खेल खेलती है कि साहब सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि दो राज्यों में मामला है, अरे सुनिए ना, सुनिए खुद ही जाके कोर्ट में कहते हैं कि हमें टाइम चार हफ्ते का, हम बाहर बैठ के आपस में सलाह मशवरा करके इसको कर ले, इनको एक बात समझाए, अगर ये आपस में बैठ के सुलझता तो कोर्ट में जाने की जरूरत क्या पड़ती है, कोर्ट में मामला एक डेढ़ साल निकालना है, कोशिश नहीं तो क्या है, नहीं इसको उलझाने की कोशिश, चौहान क्या कहोगे, चौहान साहब ये बताइए, जिम्मेदारी से भाग रहे वाला नहीं, चौहान साहब सुरजेवाला कहते हैं कि फौज बुलानी पड़ेगी अब एसवाईएल को लेकर, एसवाईएल बनाने को लेकर, मैं यही कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कहता हूं कि मामला क्योंकि संवेदनशील है, पेचीदा है, इसलिए इस पर निर्णय समझ में नहीं आता, सबसे बड़ी क्या पेचीदा है भाई, क्यों पेचीदा है, पेचीदा इसलिए है कि आपकी नियत में खोट है, पंजाब के अंदर आप नहर को डिनोटिफाई कर सकते हैं, ये खोट के आने हैं मंत्री, आप बताओ पेचीदा नहीं है तो खोट ही नहर, वहां पर लेके आते हैं, हम लोगों ने ये कहा कि बात कर लेते हैं, या केंद्र ने कहा कि दोनों राज्यों से पूछते हैं कि बने कैसे, हम आएंगे वापस लौट के सुप्रीम कोर्ट में इस एग्जीक्यूशन पिटीशन के दौरान, इनको आपत्ति बड़ी है हमारे इन लोगों के मित्रों को, चौटाला साहब की सरकार बनी बंसीलाल जी की सरकार जाने के बाद, आपको मालूम है इनके मुख्यमंत्री ने क्या कहा था हमको, हाँ एक मिनट सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, हमारा भी समर्थन था, मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से बयान देके ये कहा था कि ये चौधरी बंसीलाल के समय में जो ये याचिका डाली गई थी नहर के लिए, हम इसको वापस लेंगे और बातचीत से सुलटाएंगे, तो बातचीत से कोई रास्ता निकल आए ये कभी भी बुरा नहीं होता, और हमने हमने आज भी कहा है, हमने 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 आज भी कहा है, हम आज भी कह रहे हैं नहर का पानी नॉन निगोशिएबल है, नहर का निर्माण नॉन निगोशिएबल है, लेकिन नहर का निर्माण इनके कुदाल से हो ही नहीं सकता, गद्दारी कर रहे हो भाई, देश के कानून से होगा, गद्दार वो लोग हैं जो कानून तोड़ने के लिए कुदाल उठा के चलते हैं, गद्दार वो लोग हैं जो जो फैसला लेती है, उस फैसले को लागू करवाना किसका काम है सर, सरकार फैसले को लागू करवाना है, सरकार का है, मैंने इनकार किया, ज्योति जी रेलो निर्माण नहीं करवाएगी और नहीं करवा पाएगी, लेकिन जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, मैं यही कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, जवाब ये है कि वो निर्माण कैसे हो, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय की डायरेक्शन के लिए गए हुए हैं, छुट्टियों के बाद न्यायालय उसको सवाल का जवाब दीजिए,
22 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले थे, एसओएल को लेकर मिले थे कि नहीं मिले थे, आपको जानकारी होगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उसके बाद उन्होंने ये कहा मीडिया के सामने कि मैंने प्रधानमंत्री को कहा है केंद्र सरकार की डिक्री लागू करवाए। 2017 की बात है, आज 2018 आ चुका है, मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं फिर ऐसा? सुप्रीम कोर्ट में है तो मामला सुनिए ना, आप दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन के आदेश के लिए मामला पेंडिंग है, आप इसको नकारेंगे कैसे? यह सच्चाई है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री या पंजाब के मुख्यमंत्री या राज्यपाल के पास जाकर हरियाणा के हितों के लिए बात करना यह अपराध नहीं है, और अगर यह अपराध है तो यह मेरे सारे मित्र जो बैठे ना सर्वदलीय बैठकों में आने वाले, यह भी अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट में है, अरे भाई गडकरी साहब के पास लेने क्या गए थे? बताता हूं क्या लेने गए थे, झूठ बोल रहे हो आप, झूठे हो के साथ आप सरयंत्र कह कर तो लोगों को, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, सच्चाई यह है कि अपनी जिम्मेदारी का पालन, झूठ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप झूठ बोल रहे हैं, नहर का निर्माण किया, आप झूठ बोल रहे हैं, क्या करने क्या गए थे? बताता हूं क्या करने, मोदी सरकार साफ करे इस बात को, करेगी ना, कौन सा जल विवाद ऐसा रहा है जो बातचीत से सुलझा है? सुनिए इस बात को, जल विवाद तो सुलट गया, जल विवाद ये था नहर बने के ना बने, पानी पे हमारा हक है कि नहीं, वो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय दे चुका है, अब तो केवल इतनी सी बात है कि इसको लागू कैसे करना है, केंद्र लागू कराएगा, इनके कसी कुदाल थोड़ी लागू कराएंगे, बिना मतलब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि राजनीति की दुकान में सामान नहीं बचा, इसलिए जेल भर रहे हैं, जेल भरने से पहले क्यों नहीं भर रही, सत्ता में रहे ना, तब तो नहीं, बालमुकुंद जी बोलिए, चौहान साहब हो गया आपका, चौहान साहब आपकी बात हो चुकी है, एक घंटा चौहान साहब को दे दो, करती रही कि विपक्ष में आप लोग जब थे, विपक्ष में जब आप लोग थे अलग बातें थी, जब आप सरकार में थे अलग बातें थी, दोनों राज्यों के हिसाब से। बालमुकुंद शर्मा जी, कांग्रेस क्रियान्वयन करने वाले क्यों रद्द किए, ये बताएंगे सर, हम पर सवाल उठाने वाले, बालमुकुंद शर्मा जी बोलिए, कांग्रेस क्रियान्वयन करने वाली पार्टी है, गजब। आप ये देखिए, अत्रे जी ने कहा एक तो उसका पहले जवाब देना जरूरी है, ये जो हांसी बुटाना नहर थी सुप्रीम कोर्ट में जब ये लंबी लड़ाई लड़ी थी, दो चीजें निकल के आ गई वहां कि भाई पानी एसवाईएल में क्यों नहीं आया, हमारे एक अधिवक्ता महोदय ने कहा कि वहां पर ना हरियाणा का हिस्सा नहीं था, तो वहीं पर एक सुझाव आया कि जहां हरियाणा का हिस्सा मिलता है ना वहां पर एक पैरेलल नहर बना लेते हैं अपन, उसमें क्या था कि पंचर करके पानी आ सकता है, पानी की दो विधि बताई गई, न्यायालय में प्रस्तुत की गई, या तो पंचर करके पानी, एक मिनट, पेंचर करके आ सकता है या साइफन से आ सकता है, तो मैं बताता हूं, गलत है। रणदीप सुरजेवाला पंजाब चुनाव के वक्त पंजाब में जाकर कहते हैं कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते, मैनिफेस्टो की पहली लाइन, पहला वादा मौजूद भी रहता है मैनिफेस्टो, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कहेंगे कांग्रेस का स्टैंड वो है, नहीं ये सरकार बिना बात के मामला लटका रही है। बालमुकुंद शर्मा जी, जब जब एसवाईएल को लेकर चर्चा होगी कांग्रेस से सवाल किया जाएगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, जब मैनिफेस्टो में पहला ही वादा ये है कि पंजाब का पानी पंजाब से बाहर नहीं जाने देंगे, रणदीप सुरजेवाला जो कि आपकी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो खुद उस जो है मैनिफेस्टो को जारी करते हैं, मंच पर उपस्थित रहते हैं, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इनको प्रदेश में जाना पड़ता रणदीप सुरजेवाला का, उसका इस विषय से कोई लेना देना नहीं, विषय पे ये मैं विधायक है, मेरी बात सुनो, केसल से विधायक है, विषय ये है वो हरियाणा के है ना, आप मेरी बात सुनिए ना जी, विषय ये है उस समय के जो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उसके बाद वो सीएलपी के लीडर, उन्होंने ये कह दिया कि मैं पंजाब में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा,
कांग्रेस के बाकी नेताओं ने अशोक तंवर हमारे पार्टी के सुनने का हम प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे, और कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर उस समय के अमरेंद्र सिंह ने जो भी फैसला किया कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अलग अलग स्टेट यही तो है ना, हमने किया ना जी, दिल्ली से कांग्रेस का स्टैंड क्या था? हाँ, दिल्ली वो प्रवक्ता के तौर पर आपका पंजाब में अलग स्टैंड, हरियाणा में अलग स्टैंड, वो मैं नहीं कहूंगी कि कैथल से विधायक है, मैं ये कहूंगी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड ये है कि पंजाब के पानी को बाहर नहीं जाने देंगे, पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, जो कि जनवरी में चुनाव हुए पंजाब में घोषणा पत्र में वादा किया गया, रणदीप सुरजेवाला उपस्थित रहे। बेशक नहीं बाल मुकुल जी, बेशक वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या ये धोखा नहीं है केथल वासियों के लिए कि वो भी चाहते हैं कि एसवाल का पानी हरियाणा तक आए, दक्षिण हरियाणा तक जाए? वो चाहते हैं, तभी तो हमने दूसरी साथ साथ पैरेलल नहर का निर्माण भी कर दिया, इसको पानी आया था। समझौता किसने रद्द किया? समझौता किसने रद्द किया? आप ये बताइए आपका स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है? कांग्रेस का स्टैंड भी मानकर ये चला जाए कि कांग्रेस का तो स्टैंड ही यही है कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, पंजाब के राष्ट्रीय प्रवक्ता वहीं उपस्थित रखे, देश के पूर्व पीएम वहीं पे उपस्थित रहे, हमारे साथी है। अब इनका जब रेडियस है 20 किलोमीटर का, अंबाला से बार इनको पूछेगा सुप्रीम कोर्ट जब अपना तीसरी बार फैसला देता है या कहीं कि दोबारा किसी फैसले में यथास्थिति को कायम रखने की बाद करता है, कैप्टन साहब सांसद पद से इस्तीफा देते हैं, विधायक इस्तीफा दे देते हैं, और चुनाव में भी यही कहा जाता है कि पंजाब के पास पानी ही नहीं है, फिर कांग्रेस दम भरती है कि हम नहर निर्माण चाहते हैं। देखिए, मैंने इसी वक्त कहा था कि जो पंजाब के अंदर पंजाब असेंबली में जब इसको डीनोटिफाई किया गया, जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने प्रेजिडेंट रेफरेंस जो है उसके ऊपर निर्णय दिया हरियाणा के प्रदेश के तो उस वक्त जब डीनोटिफाई किया पंजाब की असेंबली के अंदर, जिसका प्रस्ताव लेके आए भारतीय जनता पार्टी के मदन मोहन मित्तल, एक मत से कांग्रेसी और ये अकाली और भाजपा सब साथ थे, और हमने बाकायदा उसी वक्त पंजाब असेंबली में जाके अकाली दल से अपने राजनीतिक रिश्ते खत्म किए थे, वहां पे सबको स्पष्ट है। अब यहाँ एक चीज आ जाती है, बार बार एक जिक्र हो रहा है, मैं हालांकि रणदीप जी की इस बात से कतई सहमत नहीं हूं, ये कह रहे हैं कि तीनों पार्टी राजनीति कर रहे हैं, मैं इंडियन नेशनल लोकदल का बता देता हूं, 1976 के अंदर नोटिफिकेशन हुआ था इस नहर का, 76 से लेकर 77 तक 1 साल कोई काम इस नोटिफिकेशन के बाद नहीं हुआ। सन 77 के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो पहली बार पंजाब को 1 करोड़ रुपया दिया कि वो इस नहर के लिए जमीन एक्वायर करे। सन 78 में फिर पैसा दिया गया कि नहर के निर्माण का काम शुरू किया जाए, और उसके बाद मैंने खुद बताया कि असेंबली में बंसीलाल जी माना जो हमारे सभी पार्टी ये कहती है हमने सब कुछ किया, सभी पार्टी कहती है, उसके बाद 2002 में निर्णय आया, 2004 में हमारी कोई बात कहती है, गंगा आज भी लड़ाई हम लोग के साथ, गंगा जी के पास जाने के बाद आपके पास आएंगे, लगातार कोशिश कर रहे हैं हमने गंगा लड़ाई का आरंभ कर रहे हैं। चौहान साहब 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, गंगा साहब उसके पास आपके पास आएंगे। बहुत ईमानदार कन्फेशन करना चाहता हूं, सच्चाई है, उससे कोई अगर यहां इनकार करता है तो वो धोखा दे रहा है, लोगों को भी धोखा दे रहा है। बोलिए, इस मामले को जब राष्ट्रीय दलों के संदर्भ में आप देखेंगे तो पंजाब के राजनीतिक दलों की जो इकाई है उनको वहां के लोगों की आवाज उठानी होती है, वो उठाएंगे, हरियाणा के लोगों को हरियाणा का के हित की चिंता करनी होगी, कांग्रेस और भाजपा की स्थिति एक जैसी है। इंडियन नेशनल लोकदल के मित्र हमारे जो है वो सूरमा 30 मार्का इसलिए बन पाते हैं क्योंकि पंजाब में इनकी पार्टी है ही नहीं, दूसरी तरफ हरियाणा के हित है, लेकिन कानून जो कहता है, कानून जो कहता है क्या वो सर्वोपरि नहीं है? मैं मुझे कहने देंगे, उत्तर बताइए, बोलिए बोलिए, क्योंकि सब राज्यों की अपनी अपनी दलों की इकाई को अपनी बात कहने का हक है, और अगर हक नहीं होता और मतभेद नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि झगड़ा था, विवाद था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कायदे से लड़े, हरियाणा के हित तीसरी बार स्थापित हो गए,
अब उसको एग्जीक्यूट करवाना है, एग्जीक्यूशन की पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में है, निर्णय आते ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक एक छोटा बिंदु और कहने दीजिए, एक सवाल भी है, हांसी मुटाना की बात आई थी बीच में, हांसी मुटाना नहर क्यों बनानी पड़ी? लोकदल के हमारे मित्र बैठे हैं, एसवाईएल के रास्ते जो हरियाणा को पानी आ रहा था ना, साउथ सदर्न हरियाणा को, दक्षिण हरियाणा को, उसका एक बड़ा हिस्सा हमें भाखड़ा सिस्टम के थ्रू आ रहा है और वो हरियाणा के एक क्षेत्र विशेष में जाता रहा जहां से इनकी पार्टी का के मुखिया आते हैं, उस क्षेत्र में पानी जाता रहा, साउथ हरियाणा के हिस्से का था, कभी इन्होंने चिंता नहीं की। ये पंजाब से तो लाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के भीतर हरियाणा के भीतर मुझे समय सबको देना है सर, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती, समय सबको देना, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं आप, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सर, अरे चौहान साहब आपकी बात पूरी होगी और किसी को भी बोलने दीजिएगा, गंगा साहब आप आकलन करके बता दीजिए आखिर ये मसला कहाँ पर लटका हुआ, जो यहाँ पे हुआ ना, ये समझो एसवाईएल पे भी सभी ऐसा ही, ठीक है। दूसरा, अभी मेरे भाई प्रवीण ने कहा कि मैंने कहा कि इनका कोई रोल नहीं, हरियाणा में तो तीनों पार्टियां जब से हरियाणा बनाया समय समय पर सत्ता में रही हैं और ये मुद्दा भी तभी से चल रहा है, पहली बार आई है, कहा भाजपा आपके साथ थी, तो दो चार विधायक जीतते थे, पहली बार मौका मिला इन्होंने, 87 में भी आपके साथ थे, इनको पहली बार मौका मिला, जो प्रदेश को जला दिया, जो बार बार जला चुके हैं, इस बात का दम भरती है कि हम लोगों ने मजबूती से पैरवी की, हमने आपके साथ दो बार ये पहले 77 में और 87 में सत्ता में रह चुके हैं भागीदार, तो ये इस पे तीनों पार्टियों ने ही राजनीति की है या काम किया है, चलो हम आप लोग, अरे ये आप लोगों का किया था, तीनों में तीनों आगे कांग्रेस बैठी है, इसका कम से कम इंडिया प्रदर्शन तो कर रही है, अगर लोग इस पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते तो ये मामला 1987 में सुलझ गया था, 1987 में केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सुरजीत सिंह बरनाला, लोंगेवाल जो समझौता था उससे लोकदल को परेशानी थी, नहीं नहीं ये लोंगेवाल नहीं, अत्रे साहब कुछ तथ्यों के साथ बताते हैं, राजीव लोंगेवाल समझौता जब हुआ, लेकिन हरियाणा की जनता ये सोचती है कि नया निर्माण हो जाता अगर लोकदल होने देता उस वक्त, मैं अपनी बात पूरी का जवाब आपसे नहीं लेंगे, मैं अपनी बात पूरी करूँ तब तक, सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब में एक सेम की समस्या है पूरे पंजाब में, जहां जहां नहरें गई हुई हैं, ठीक है, और हर साल मेरे भाई बताएंगे ये अब भी उनको फंड देते हैं सेम की समस्या से निपटने के लिए, उन्होंने सेम की समस्या से निपटने के लिए केंद्र से फंड मांगा, तो राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे, वहां से कहा गया कि ये सेम की समस्या क्यों है कि पानी की अधिकता है, तो आप हरियाणा के हिस्से का पानी दे दो, इधर सेम की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, पानी चला गया, लेकिन उसके बाद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये समझौता, ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, वो जो पानी मिलना था हरियाणा का वो वही रुक गया, इस पे कोई समझौता नहीं। आपको लगता है कि तीनों पार्टियों की नियत में खोट थी एसवाईएल को लेकर? राजनीति का स्पष्ट किया ना, आप नहीं कहना चाहते हैं राजीव लोंगोवाल समझौते के बारे में जिक्र होता है और अक्सर ये दुष्प्रचार भी किया जाता है, सच्चाई ये है कि राजीव लोंगोवाल समझौते के अंदर जो क्लोज नंबर 7 एंड क्लोज नंबर 9, उसमें हरियाणा प्रदेश के हक का पानी कम कर दिया गया, चंडीगढ़ से हरियाणा प्रदेश का हक कम कर दिया, खत्म कर दिया गया, और हमने जब इसका विरोध किया कि आप प्रदेश के हक के पानी को कम कैसे करते हो, हमारे शेयर को कम कैसे कर सकते हो, उस वक्त आपको याद होगा ज्योति जी, जनक चौधरी देवीला ने न्याय युद्ध शुरू किया था और हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारे उस विरोध पे मोर लगाते हुए 90 में से 85 सीटें जितवाई थी, क्योंकि वो विरोध जायज था, आप प्रदेश के हक पे डाका डाल रहे थे उस समझौते के जरिए, इसलिए उस समझौते का विरोध हुआ था। वीरेंद्र चौहान साहब आपसे सवाल ये है, जो पाकिस्तान का जिक्र आया ब्रेक से पहले भी, जब जब पंजाब की बात होती है
में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी खुद पीएम भी जब पंजाब में चुनाव होते हैं कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक लिया जाएगा, एसवाईएल को लेकर क्यों नहीं बोला जाता? देखिए एक बात समझ, एसवाईएल का मामला क्योंकि अदालत में लंबित था, आंशिक तौर पे आज भी एग्जीक्यूशन पिटीशन वहां पर पड़ी हुई है, तो वो एकदम बिल्कुल भिन्न विषय है। पानी का अतिरिक्त स्रोत क्या हो सकता है? पानी का संकट तो है, पंजाब ये कहता है कि हमारे पास कम है, दूसरे राज्यों में भी संकट है, पानी संसार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, तो पानी के वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं इस पर चर्चा करना ये देश की तरक्की के बारे में सोचना है। नहरें जुड़ जाएं इस पर बात करना ये फॉरवर्ड लुकिंग सोच है। तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों के फालतू सरप्लस अगर कोई पानी जा रहा है जो वहां जाना नहीं चाहिए और कई बार वहां जाके भी तबाही मचाता है, उस पानी को रोककर यदि पंजाब और हरियाणा की प्यास बुझाई जा सकती है तो इस पर बात करना व्यावहारिक है। एक बात और, अभी इनेलो के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे थे कि वहां क्या लेने गए थे, क्या लेने गए थे। साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री जब केंद्र के मंत्री या मंत्रियों से मिलने जाते हैं तो केवल एक एसवाईएल मसला नहीं होता, एसवाईएल भी एक मसला था, अंतरराज्यीय पानी के मामले हमारे राजस्थान के साथ भी हैं, हमारा मसला दिल्ली के साथ भी समय समय पर रहता है और दूसरे मामले भी रहते हैं। तो कृपा करके मुख्यमंत्री के बारे में किस तरह की भाषा में आपने सुना, मीडिया में तो आके मुख्यमंत्री जी केवल एसवाईएल की बात कर रहे हैं, भाई को एसवाईएल आप सुनते नहीं, समस्या तो ये है, आप जानते नहीं, समस्या तो ये है, आप मानते नहीं, समस्या ये है, ना आप सुनेंगे ना ज्योति जी ने चलाई थी वो, और मैंने सुनी, ना आप सुनते ना मानते ना जानते, जो मैंने हल्ला करते हैं एसवाईएल का जिक्र कर रहे हैं, आप सुनते नहीं ना, संदीप जी के पास चलते हैं। चौहान साहब, चौहान साहब, बहुत हो गया सर, हो गया सर, होगी होगी बात आपकी। चौहान साहब तो मोबाइल पे बात कर लेने तो ठीक रहो, वहां से टीवी पे मोबाइल पे बात कर ले तो ठीक रहो, डरा उड़ते हैं। आपको कौन डरा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है, राज्य सरकार उस फैसले को नहीं मानती, उसके बाद किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है, किस तरह की गुंजाइश है और किस तरह का एक्शन लिया गया अभी तक? सुप्रीम कोर्ट के पास सारे हथकंडे हैं, सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल भी बना सकता है, वो ट्रिब्यूनल इसको एग्जीक्यूट करा सकता है, केंद्र सरकार की भी उसमें जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया जा सकता है, अभी इस ट्रिब्यूनल को जो है ना पूरी सिक्योरिटी और पूरे जो है ना इनको काम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इनको दिया जाए, वो ट्रिब्यूनल इस फैसले को जो है ना लागू करवा देगा। केंद्र सरकार को, हरियाणा राज्य को और पंजाब राज्य को उस ट्रिब्यूनल की बातों को मानना पड़ेगा, अगर कोई नहीं मानेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रास्ता। बताइए संदीप जी, एसवाईएल को लेकर जब सुनवाई हुई थी उस दौरान अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने ये दुहाई दी कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं, 6 हफ्ते का वक्त और दिया जाए, यानी ये मामला उस समय भी लटकाया गया कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल लटकाने के लिए, ये एक तथ्य बता रहा हूं। उसके बाद एक बात ये भी आती है कि आदर्श मौका था बीजेपी के पास, क्योंकि उस समय सत्ता में बीजेपी भागीदारी में थी पंजाब में, बिल्कुल, क्या इसके पीछे मंशा ये हो सकती है क्या? नहीं देखो, लटकाने की नीयत तो रही है, नहीं तो ये पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उसका राग अलापने की है, उसको छेड़ने की क्या जरूरत थी? जब मुद्दा एसवाईएल का है तो आप ऐसे एसवाईएल पे कन्फाइन रहो, दो राज्यों के जब मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया जा रहा है, क्योंकि आप दो देशों के बीच का समझौता है, उस पर सरकार ने बात करी है, आरोप मत मानिए, वो सवाल उठाया गया, सर सवाल उठाया गया, सवाल उठाया गया, आरोप नहीं लगाया गया, दो देशों के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसको लागू करवाने में केंद्र सरकार क्यों पीछे हट रही? दो देशों के बीच में समझौते को तोड़ने की बात किसी ने नहीं, वो इसमें इशू ही नहीं है, एसवाईएल में तो वो पानी आ ही नहीं है। वकील साहब मुझे कहने दीजिए, एक मिनट पंडित जी, ऐसे नहीं, मैं मेरी मुझे कहने दीजिए, पंडित जी सुन लीजिए, मैं मुझसे प्रश्न किया, मुझे कहने दीजिए, दो देशों के बीच किसी संधि को तोड़कर हरियाणा को या पंजाब को पानी देने की बात नहीं कही, जो फालतू पानी जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए था, अब तक नहीं रोका गया, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये एक प्रस्ताव है। रही बात एसवाईएल के मामले की, अगर अटॉर्नी जनरल ने वहां ये कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, हम दोनों राज्यों से या संबंधित पक्षों से बात करके एग्जीक्यूशन का क्या तरीका हो सकता है उस पर वापस आपके पास आएंगे, इसको लटकाना नहीं कहते। जो दशकों से मामला लटका हुआ था वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते और उसमें डिले हो जाता है, और उसमें दोनों राज्यों के बीच में तनाव ना हो ऐसा कोई सूत्र निकल आता है, तो इसमें क्यों टेंशन लेना? अब 2019 करीब है और सभी पार्टियां प्रत्याशी बनेंगी दक्षिण हरियाणा की किसानों की। घनघोर साहब,
देखो ज्योति, ये मामला 2019 तक तो सुलझना नहीं है सुप्रीम कोर्ट में भी। नहीं, जॉन साहब ने कहा कि दो चार हफ्ते अगर और भी हो जाती है, नहीं, नहीं, इसमें, इसमें, है। नहीं कहती हूँ 2019 भी होगा, छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगा, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आता है। ऐसा है, आपने बताया कि मैं अपनी बात 2016 में भी आया था। परवीन जी, मैं अपनी बात क्या कर रहे हो आपको बताया ना मैंने क्या कर रहे हो आप वही धरते हो आते हो आप ऐसे ही आगे लटकाओ। ऑर्डर आते ही एग्जीक्यूशन में गए। नवंबर 2016 में सबको जानते हुए गुमराह करते हो लोग। बाद से आप तक आपने केवल क्या आप सोचते हैं SYL का पानी अभी मिल जाएगा 2 साल में 4 साल? क्या आप ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि हमें और कहीं से, तब तक SYL का नहीं होता तब तक हमें कहीं और से पानी आ जाए? क्या ऐसा प्रयास नहीं हो सकता? क्या प्रदेश के लोगों का भला नहीं हो सकता? आज कांग्रेस ने क्या आप लोग नहीं चाहते हैं हमें सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसमें इनको अधिकृत किया गया प्रधानमंत्री? आज इन्होंने प्रधानमंत्री जिससे मैंने लिया क्योंकि इनको पता था कि जवाब नहीं सुनिश्चित होगी तुम्हारी प्रधानमंत्री से मिलते ही। रावी ब्यास के पानी में हरियाणा का जो हिस्सा है वो उदाना के माध्यम से आ सकता है, ये बात आज भी मुख्यमंत्री जी ने कही है ना। पानी वहां आ रहा है, उस पानी को और बढ़ा के इस सर, पानी इस तो नहीं आ रहा, भी आ सकता है। पानी तो नहीं आ रहा, आ रहा है सर, कहां रह सकता है आपको नहीं मालूम? मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, SYL की बात सर, मैं SYL की बात सारी बातों सर, एक सवाल का जवाब सर, एक सवाल का जवाब। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केंद्र सरकार को कि आप पानी की छोड़ दीजिए, निर्माण कार्य तो करवाइए पंजाब, तो अभी तक क्या किया? मैं फिर अब सुनते तो है नहीं, मैं यही स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं बुलेटिन के शुरू से, डिबेट के शुरू से 25 मिनट आप बोले, आप एक घंटे की डिबेट में उसी बात को। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूट ऑर्डर को एग्जीक्यूट सुप्रीम कोर्ट कराएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हम आगे बढ़ेंगे फिलहाल, दूसरी एक वाक्य में और मुझे कह दीजिएगा, इंटरव्यू में करिएगा। भाखड़ा सिस्टम के माध्यम से हरियाणा में रावी ब्यास का जो हिस्सा पानी में, जो हमारा हिस्सा है, पानी आ रहा है ऑलरेडी कुछ, वो हरियाणा के एक हिस्से में जा रहा है, जो जेल भरो उस पानी को बढ़ाकर दक्षिण हरियाणा को जाल ले जाया जा सकता है कि इन्होंने ड्रामा कर रखी है। देखिए ऐसा है, विरोधियों का तो काम होता है, विरोधी तो विरोध में इस तरह के बयानबाजी करते हैं, बल्कि हमने तो जिस वक्त आंदोलन शुरू किया, आपको याद होगा अभय सिंह जी ने उसी दिन कहा था कि राजनीति से ऊपर उठ के ये दल भी अगर चाहते हैं कि हरियाणा को उसका हक मिले तो आप हमारे साथ आइए, मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर इनकी नीयत सही होती तो इस लड़ाई में शामिल होते। लेकिन अब यहाँ पे रावी ब्यास का जिक्र हो रहा है, आपकी रावी ब्यास का जिक्र बता देता हूँ, समय नहीं हमारे पास, बात कीजिएगा, समय नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विपक्ष जो है नियत में खोट बताता है सरकार की, सरकार अपनी मजबूरी बताती है, सरकार कहती है कि जब छुट्टियां खत्म होगी सुप्रीम कोर्ट फिर से कोई मुकदमा इस पर कुछ ना कुछ जवाब देगा, उसके बाद ही आगे का समय होगा और फिर एक कोशिश होगी सरकार की तरफ से।